ओके, तो आज के क्लास में क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली इसको क्लासिफाई किया जाता है, तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वैसा क्लासिफिकेशन जो कि क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? तो सबसे पहला ये देखेंगे, इसमें दो टाइप का देखेंगे, एक शुगर एक नॉन शुगर। क्या देखेंगे? एक शुगर एक नॉन शुगर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे शुगर, SUGAR। दूसरा क्या होता है? तो नॉन शुगर, मतलब जो क्या हो, शुगर हो दूसरा, क्या नॉन शुगर। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़े हैं कि शुगर क्या होता है, हमेशा चीनी होता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, देखिएगा शुगर का मतलब क्या है। देखिए ये मोस्टली क्या होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है और स्वीट होता है, सबसे मेन चीज़ यही है। ठीक है, इट इज़ कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता है, क्या होता है? स्वीट होता है। क्या होता है? स्वीट। ये क्या होता है भाई? तो इट इज़ नॉट, इट इज़ कलरलेस, ये भी कलरलेस होता है बट नॉट स्वीट, पर स्वीट नहीं होता है, मतलब मीठा नहीं होता है। ठीक है, कलरलेस होता है पर मीठा नहीं होता है, कौन? तो शुगर और नॉन शुगर। बात समझ में आई? अगर बात किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका शार्प होता है। ठीक है, एग्जांपल की बात किया जाए डायरेक्टली, तो एग्जांपल क्या है इसका? ग्लूकोज फ्रुक्टोज। क्या एग्जांपल इसका? ग्लूकोज फ्रुक्टोज, बस सिंपल सी बात तो यही है। इसमें क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसमें की बात करें तो ये क्या होता है? मीठा नहीं होता है। तो वैसा शुगर जो कि मीठा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर। जैसे कि स्टार्च सेलुलोज, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? स्टार्च एंड सेलुलोज। दिक्कत है? तो फटाफट इसको लिख लीजिए हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे फिजिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलाइसिस समझ में आएगा, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए तो क्या होता है? मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। देखिए हम कल बताए थे कि सैकेराइड का दूसरा नाम क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, और मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि टूटने पर क्या हो, सिंगल मॉलिक्यूल में दे, उसको क्या बोलते हैं? तो मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोनोसैकेराइड। दिक्कत तो कैसा होता है? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है डैट डू नॉट हाइड्रोलाइज, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि सिंगल है ना। अब सिंगल जो रहता है तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे द कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर क्या हो, हाइड्रोलाइज नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? तो मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो मोनोसैकेराइड बोलते हैं, याद रहेगा। ठीक है, फटाफट इसको लिखिए। अगर बात की जाए तो इसका एग्जांपल की बात की जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इस सब का एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज।
ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि इसका ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, राइबोज भी होता है जिससे डीएनए बनता है। अगर बात किया जाए इसका, अगर ठीक है आपको बता दें कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज शुगर इसी तरह ना कितना मोनोसैकेराइड है, तो अब तक नेचर में साइंटिस्ट लोग 20 मोनोसैकेराइड फाइंड कर चुके हैं। बात समझ में आया, 20 मोनोसैकेराइड फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए तो ओलिगोसैकेराइड, क्या बात करेंगे, ओलिगोसैकेराइड नेक्स्ट लिखेंगे, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट, लिखेंगे सेकंड में ओलिगोसैकेराइड। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट विच, वो कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या करता है, फर्दर हाइड्रोलाइज, विच हाइड्रोलाइज्ड अप टू 2 to 10 मोनो कहने का मतलब क्या है कि ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट विच हाइड्रोलाइज अप टू 2 to 10 मोनोसैकेराइड, मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं उसको, ओलिगो, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है तो बताता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या, एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज, तो सुक्रोज की अगर बात की जाए तो सुक्रोज टूट करके क्या बनता है, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज, क्या बनता है, सुक्रोज टूट को क्या बनता है, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज टूट के किस में बन रहा है, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज में बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 मॉलिक्यूल में टूटा, एक ग्लूकोज और एक क्या हुआ, फ्रुक्टोज। तो याद रखिएगा सुक्रोज यहाँ पे है, ये 2 में टूट रहा है, किसमें, ग्लूकोज और फिर फ्रुक्टोज, तो इसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। इसी तरह बहुत सारा कंपाउंड क्या होता है, 2 से ज़्यादा में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 4 में टूटेगा, जब 10 तक टूटेगा तो क्या बोलेंगे उसको, ओलिगोसैकेराइड। इतनी बात समझ में आई, दिक्कत है तो याद कर लीजिए इसको, ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, 2 वाले को क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड, क्या बोलते हैं इसको, इसी के एक इसी के अंदर एक और पढ़ना है क्या, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड, जैसे कि डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, इसमें ना 2 मोनोसैकेराइड में टूटता है, क्या करता है, हाइड्रोलाइज इनटू 2 मोनो सैकेराइड। बात समझ में आया, 2 मोनोसैकेराइड में टूटता है, ठीक है, इसको याद करके रखे रहिए, ठीक। ओके, तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, पॉलीसैकेराइड, क्या देखेंगे, पॉलीसैकेराइड, नाम ही में लगता है, क्या होगा नाम इसका, डेफिनेशन इसका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट which hydrolyzed, ठीक है, more than hydrolyzed into more than 10 mono। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या करता है, 10 बार से ज़्यादा डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। बात समझ में आई, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीसैकेराइड। अगर इसकी बात की जाए इसका एग्जांपल का, तो स्टार्च, क्या बात करेंगे, स्टार्च, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा है ना, लार्ज नंबर ऑफ, जैसे स्टार्च है ना, स्टार्च बहुत सारा ग्लूकोज से बनता है, ठीक है, सेलुलोज,
ये सब क्या होता है ना, बहुत सारा ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपको, पॉलीसेकेराइड, मतलब जो दो या दो से बार में नहीं, बहुत बार टूटे उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। दो एग्जांपल याद कर लीजिए, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। एक और होता है ग्लाइकोजेन, जो कि हमारे ह्यूमन में स्टोर होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजेन। इतनी बात समझ में आई, फटाफट इसको लिख लो। ओके, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर। किसके बेसिस पे, तो रिड्यूसिंग नेचर पे। देखिए रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े हैं ना, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, उल्टा इसका, गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ, उसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और घट जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो अभी इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको डिफिनेशन जानना है, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या है, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे पहले देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, द शुगर, वो शुगर, ठीक है, विच, वैसा शुगर जो कि, द शुगर विच गिव टेस्ट ऑफ टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए वैसा, देखो अब टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन आप लोगों को अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि रेड पीपीटी ये सब बनता है, तो अभी चीज़ ये चीज़ नहीं जाना है आपको, सिर्फ अभी यहाँ पे डिफिनेशन देना है, यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है। तो दूसरे चैप्टर में हम लोग टॉलरेंस टेस्ट पढ़ेंगे, फेलिंग टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो द शुगर विच गिव टेस्ट, मतलब वैसा शुगर जो कि टेस्ट देता है, किसको देता है, तो टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को टेस्ट देता है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। हैं अगर रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बात किया जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसका एग्जांपल होता है। क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी बता देते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये सब क्या होता है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर एक, इसका एक और डिफिनेशन होता है, ठीक है, वो जान लीजिए, ठीक है। इट हैज फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप, इसके पास ना फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। इट हैज फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप, ठीक है। इसके पास क्या होता है, फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप होता है। अच्छा रिड्यूसिंग ग्रुप कौन कौन होता है, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। आपको पता हो कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड कीटोन होता है, तो वैसा कंपाउंड जो कि अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर दे, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसा कंपाउंड जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, तो इसका उल्टा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, तो इसका उल्टा क्या लिखेंगे, द शुगर विच डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ टॉलरेंस एंड डज नॉट गिव फेलिंग, मतलब वैसा शुगर जो कि टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। क्या याद रहेगा, वैसा शुगर जो कि टॉलरेंस टेस्ट या फिर फेलिंग टेस्ट नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। नहीं देता है तो एक और बात किया जाए तो क्या, क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके पास रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब इसका जो अल्डिहाइड कीटोन होता है वो रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो इट हैज not free reducing group। सिर्फ इसमें फेलिंग टेस्ट के लिए कन्फ्यूजन नहीं होएगा, क्योंकि हम लोग दूसरे चैप्टर में डील करेंगे, यहाँ पे इसके चीज़ को नहीं दिया। बुक भी खोलिएगा तो इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया है, ठीक है, दूसरे चैप्टर में जिक्र किया है तो वहाँ पे देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड
एंड कीटोन। माइंड में रहेगा तो फटाफट इसको देख लीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सुक्रोज एंड इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोस्टली पॉलीसेक्राइड जो भी होता है वो सब क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये भी ट्रिक होता है याद करने का। तो सुक्रोज स्टार्च ये सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, याद रहेगा, ठीक है। सेलुलोज भी क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होता है। तो इसका एग्जांपल याद कर लीजिए फटाफट। तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, वैसा शुगर जो कि क्या होता है, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन देता है। नॉन रिड्यूसिंग किसको बोलते हैं, वैसा टेस्ट जो कि टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके थैंक यू, उसको देख लीजिए फटाफट।